تۄہہِ کٔمۍ حظ ووٚنوٕ تَلس مےٚ کوٚر وٕچھُن تۄہہِ کٕم حظ چھُو کَر بینر اور ڈاوُن کیازِ مےٚ بٕتھِ فنڈ ایلوکیشن فار ویری سوشل ویلفیر کارپوریٹ سرکار مردآباد ظالمو بس کرو بس کرو بس کرو ظلم اب اور نہیں اور نہیں اور نہیں ظالمو بس کرو بس کرو بس کرو ظلم اب اور نہیں اور نہیں اور نہیں انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد کشمیری عوام زندہ باد زندہ باد زندہ باد مودی سرکار مردآباد 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 مودی سرکار مردآباد 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 ایل جی انتظامیہ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ایل جی انتظامیہ مردآباد 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 بی جے پی سرکار مردآباد 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 आज का ये जो प्रोटेस्ट हमारे यहाँ पे आए दर्ज करने के लिए ये पूरे मुल्क में जो सरकार ने एंटी पीपल बजट लाया है कंट्रडिक्टरी बजट है निर्मला सीतारामन ने जो जो बजट से ये लगता है कि ये सरकार कॉरपोरेटों की सरकार है उन्हीं के लिए बजट बनाई गई है। एक मशहूर फिलोसफर ने कहा था जिस सोसाइटी का हेल्थ डिक्लाइन पे हो उस वो सोसाइटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही। अब देखिए हमारा हेल्थ दिन ब दिन डिक्लाइन होता जा रहा है, हमारे रोजगार उजाड़े गए हैं, तालीम जिस तरीके से ये सरकार तालीम का बाजारीकरण कर रही है, मतलब बहुत जल्द गरीब बच्चों के लिए अच्छी तालीम लेना एक ख्वाब ही रहेगा। पूरे मुल्क का अवाम, पूरे मुल्क की जनता, नौजवान, स्टूडेंट्स एक आश्वासन उम्मीद में बैठे थे कि शायद इस बजट में ये हमारे लिए कुछ राहत लेके आए, लेकिन अगर हम देखें उस बरक्स सब हो रहा है। जो बची कुछ ही कुछ सब्सिडीज़ थी, चाहे पेट्रोलियम था, चाहे फर्टिलाइजर्स थी, चाहे हमारे खाने पीने का जो भी चीज़ था उसमें कटौती की गई, तालीम को हेल्थ केयर को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया, जॉब एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं, मनरेगा से अगर कोई रूरल एरियाज़ में कुछ लोग कुछ पैसे कमा रहे थे उसमें कटौती की गई, जब पूरे मुल्क का नौजवान ये बोल रहा है कि अर्बन एरियाज़ में भी हमें गारंटी एक्ट स्कीम लाई जाए जो पार्लियामेंट कमेटी ने पास भी की है, उस बरक से उसको भी काट रहे हैं, उसमें भी कटौती ला रहे हैं। एक एक मुद्दा जो इनका बेरोज़गारी के नाम पे इन्होंने हज़ारों करोड़ों का छूट कॉरपोरेट बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया है इस टैक्स में, इस बजट में, और जो भला मतलब आप भी बोलिए, मतलब किसी को भी ये समझ आता है आज तक जो पिछले कई सालों से न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी जो ये पूंजीपतियों वाली सरकार होती है, कॉरपोरेट की सरकारें जो होती है, उन्होंने आज तक कॉरपोरेट ने कब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कब किया, अभी तक कहीं नहीं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में इन्होंने बड़े बड़े दावे किए 370 के बाद हम वो करेंगे ये करेंगे, तो जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी इशू था, फ्रॉड था, आप रिसेंटली देख रहे हैं कैसे इविक्शन गरीबों को अमीर गरीब के नाम पे डिवाइड करने पे कैसे कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग कर रहे हैं, उसके बरक्स हमारे किसान को थोड़ी सी राहत थी कि शायद पीएम किसान जो उनको मिल रहा था उसमें कुछ इजाफा हो जाएगा। जुमले तो बहुत बोले मोदी जी ने कि मैं बढ़ाऊंगा, उसमें भी सारा ख़त्म किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सरकार और लोगों से, दोनों से, हम लोगों से ये कहना चाहते हैं, नौजवान को खासकर और किसान को, कि आप एकजुट होए, इन सरकार को बोलिए आपकी जो तानाशाही, जो ये हिंदू मुस्लिम बांटने का काम आप बड़ी बखूबी कर रहे हैं, जब एक हिंदू और मुसलमान या कोई भी धर्म का हो, जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा वो बिल्कुल मोदी जी की सरकार को ही खाएगा, और ये जल्द जल्द होगा, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगा। हम ये चाहते हैं ये सरकार होश में आए, और उसके साथ ही हम एलजी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि वो होश में आए, बड़े बड़े दावे तो बहुत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम को जितनी भी आपने रोज़गारें, जो थोड़ी बहुत रोज़गारें आई थी उन्होंने फ्रॉड हुआ, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डेली वेजर्स का मसला है,